हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका वाइल्ड ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। मैं हूँ आपका होस्ट योगेश बोहरा। आज से हम नए सफर की शुरुआत करने वाले हैं और आज हम हैं अमृतसर में और सबसे पहले हम आए हैं गोल्डन टेंपल में दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम अपने अमृतसर टूर को स्टार्ट करेंगे। हमारा अमृतसर टूर जो है वो 2 से 3 दिन चलेगा। अभी आप देख सकते हो मैं गोल्डन टेंपल के बाहर ही खड़ा हूँ। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने जो शूज है उनको रखवाने के लिए और फिर सर पर रुमाल बांध कर चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। आप भी देखिए कितना ही अच्छा नजारा है वहाँ पर। दर्शन करके गुरुद्वारे के बाहर आ चुके हैं। अंदर जो रश तो काफी ज्यादा था और अंदर वीडियोग्राफी भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप वीडियोग्राफी करते हुए पकड़े जाते हो तो गार्ड्स जो है वो आपकी वीडियो जो है डिलीट कर देंगे आपके फ़ोन में। दर्शन करने का तो अपना अलग ही एक सुख है अंदर, तो चाहे जितना पति रच हो रच के बाद अगर आप 1-1.5 घंटे में अगर आपकी टर्न आ जाती है आप दर्शन करते हैं तो आपका जो फीलिंग ही अलग होगी आपके अंदर। और दर्शन के पहले लंगर का जो सेवन करना पड़ता है वो भी हमने कर लिया था अंदर लंगर का सेवन। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जंजाला बाग, जो यहाँ से सिर्फ मात्र 150 से 200 कदम की दूरी पर है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ। अभी हम जलियांवाले बाग में हैं। इसकी दूरी जो गोल्डन टेंपल से है वो मात्र 150 से 200 कदम की दूरी पर ही है। ये उसी हेरिटेज स्ट्रीट में पड़ता है जहाँ पर गोल्डन टेंपल के बाहर जो हेरिटेज स्ट्रीट बनी हुई है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर अभी घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इसको और आपका भी साथ में दिखाएँगे कि अभी इसमें जो 1.5 साल जो ये बंद रहा था रेनोवेशन के कारण उसके बाद यहाँ पर क्या है जो नया बन चुका है। चलिए आइए हमारे साथ, हम देखते हैं। जलियांवाले बाग का नया रंग रूप तो हमें बहुत पसंद आया। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए 4 नई गैलरी बनाई गई है जिनके अंदर जलियांवाले बाग के इतिहास को बड़ा ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। यहाँ पर इतिहास को पिक्चरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और आवाज़ के माध्यम से बड़ा ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है, जिसको देखने के बाद तो आपकी अंदर की रूह जो है वो खुश हो जाएगी। आप भी जब यहाँ पर आओगे तो अगर आपने पहले जलियांवाले बाग में विज़िट किया हुआ है और तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप किसी नई जगह पर किसी नया जलियांवाले बाग में आ चुके हो। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा एक छोटा सा बच्चा टीम का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में ये संदेश देते हुए मिला कि शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक समारोह।
है जी ऐतिहासिक हुआ, जिसमें जब जनरल डायर ने फायर किया था तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इसमें कूदे थे। ये है जी बुलेट मार्क्स, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने इन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। जलियाला बाग हमने कवर कर लिया है। इस समय जो समय हो रहा है वो 2 बज चुके हैं। सुबह हमने तकरीबन 8-9 बजे शुरू किया था। ज़्यादा पहले हम गोल्डन टेम्पल गए थे, कुछ समय हमने हेरिटेज स्ट्रीट में लिया, उसके बाद हम गोल्डन टेम्पल गए, फिर उसके बाद हम सीधा जलियाला बाग। अभी हम यहाँ से जाएंगे कुछ खाने के लिए और फिर कुछ देर रेस्ट करके हम शाम को देखेंगे किसी और डेस्टिनेशन पर जाने का। और वीडियो में आगे आप देखिए हम इसके बाद कहाँ पर जाते हैं। जलियांवाले बाग को अलविदा कहने के बाद हम यहाँ से जाएंगे कुछ खाने के लिए और फिर हम हेरिटेज स्ट्रीट में कुछ समय बिताएंगे, और आप हमारे साथ बनिए रहिएगा। अमृतसर आए और कुलचा ना खाया तो फिर क्या अमृतसर में खाया। सर में राम तीर्थ मंदिर में मौजूद है। ये जो मंदिर है इसको वाल्मीकि आश्रम भी बोला जाता है और इसका जो संबंध है वो त्रेता युग से है। कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र महाराज जी ने वनवास के बाद जब अयोध्या आने के बाद माता सीता जी को दोबारा से वनवास दिया था तो वो इसी जगह पर आकर ही वाल्मीकि आश्रम में ही है जहाँ पर वो आकर वाल्मीकि आश्रम में रहे थे और इसी आश्रम में ही लवकुश जी का जन्म हुआ था। वो जगह जो है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो अभी आप जो जो मंदिर है उसको आप देखिए, काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है। अभी आप इस मंदिर को देखिए और हम आपको आगे जाकर वो दिखाते हैं जगह जहाँ पर रामकृष्ण का जन्म हुआ था। तब तक आप मंदिर को देखिए।
हैं वाल्मीकि आश्रम के अंदर, जो सामने आप देख रहे हो वाल्मीकि मंदिर में, तो कैमरा अंदर अलाउड नहीं होगा, तो हम दर्शन करके आते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर कैसा है ये मंदिर देखने में। कोशिश करेंगे कि अगर अंदर कोई पिक्चर क्लिक हो सके और आपको भी हम दिखा सकें मंदिर के अंदर, तो आइए। रामचंद्र जी महाराज के साथ उनका युद्ध भी हुआ था, तभी हम आपको लेकर चलेंगे उनकी पाठशाला में, यहाँ पर उन्होंने सारी स्टडी की थी लवकुश जी की, और हम आपको वो भी जगह दिखाएंगे जहाँ पर लवकुश जी का जन्म, माता सीता जी ने उनको जन्म दिया था। अभी हम लवकुश जी की पाठशाला के अंदर हैं, यहीं पर उन्होंने वाल्मीकि गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया था। इसी स्थान पर सीता माता जी ने लव को जन्म दिया था। वाल्मीकि तीर्थ में दर्शन करने के बाद समय है इस जगह को अलविदा कहकर अपने अगली डेस्टिनेशन पर जाने का, तो हम भी चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर और मिलते हैं आपको वहीं पर जाकर। अगर आप अमृतसर में स्टे करते हो और अगर आपका होटल हेरिटेज स्ट्रीट के पास ही है कहीं पे, तो एक बार आप रात के समय यहाँ पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रात के समय इसकी जो शोभा है वो देखने वाली है। अभी आप भी देखिए और मिलते हैं आपको आगे जाके। We'll be right back.
दिवस था। आज के दिन की शुरुआत हमने की थी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद। अमृतसर में दर्शन गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम वहाँ से जलियाला बाग विजिट करने चलेंगे। और अमृतसर में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अप्रॉक्सीमेटली जो टेम्परेचर है अमृतसर में वो 46 डिग्री के अबव ही चल रहा है। तो इस वजह से हमने दोपहर को कहीं भी विजिट नहीं किया, तो शाम को हम गए थे रामजीत मंदिर में दर्शन करने के लिए। जिन लोगों को तो रामजीत मंदिर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए मैं दोबारा से बताना चाहूँगा। रामजीत मंदिर को वाल्मीकि आश्रम भी कहा जाता है और कहते हैं कि इस मंदिर का संबंध जो है वो त्रेता युग से है। जब श्री रामचंद्र महाराज जी ने अयोध्या वापसी के बाद माता सीता जी को दोबारा वनवास में भेजा था तो इसी आश्रम में आकर उन्होंने वाल्मीकि ऋषि से शरण प्राप्त की थी इसी आश्रम में, और लवकुश जी का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। और जब श्री रामचंद्र महाराज जी ने आश्रम में यज्ञ किया था तो उस आश्रम को जब वो इस जगह पर पहुंचा था घूमते घूमते तो लवकुश जी ने उसको आश्रम को पकड़कर यही पर ही बांधा था। ये सब जगह हमने इसी वीडियो में कवर की है जो आपने पहले वीडियो में देखी भी होगी। तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को